Subscribe to www.oneplatter.com and be the part of the ultimate cooking social community, where recipes come to life. किसी अपने के साथ रहते हुए उसके बिना रहना इतना आसान नहीं होता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने हमेशा अपनी मोहब्बत को अपने दिल तक महदूद रखा है। तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, इस सब के बावजूद मैंने आज तक तुम पर अपना हक जाहिर नहीं किया। मैं यहां तुम्हारी ये फजूल बकवास सुनने नहीं आया, इसलिए मैं जा रहा हूं। फैसल, बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लिए और मेरी तंजीला के लिए बहुत अहम है। देखो फैसल, तुम मानो या ना मानो, तंजीला अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। वो तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती, मजबूरी में उसने तुमसे निकाह तो कर लिया, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश कभी नहीं रह पाएगी। एक ना एक दिन ये समझौता टूट जाएगा और वो सूरत हाल बहुत भयानक होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम तंजीला को तलाक दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? बोलो, जवाब दो। असल बात को समझने की कोशिश करो। बकवास बंद करो। खबरदार, अगर तंजीला का नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं, जान से मार डालूंगा तुम्हें। तंजीला पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। उसकी जिंदगी और खुशियों का फैसला मैं करूंगा, उसका शौहर, समझे तुम? तंजीला की जिंदगी का फैसला करेगा मेरे वो सब फैसला तंजीला की जिंदगी का। तू जान ले लूंगा मैं तेरी, दोबारा तंजीला का नाम लिया जान निकाल दूंगा मैं, उसे नाम मत लेना। बोलो मैं तुम मानो या ना मानो, तंजीला अब भी मुझसे वो तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती, मजबूरी में उसने तुमसे निकाह तो कर लिया, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश कभी नहीं रहेगा। एक ना एक दिन ये समझौता टूट जाएगा और वो सूरत हाल बहुत है। इसलिए
और हाँ, कल से कोई यहां ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा। निकलो आप सब। इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? अभी पता चल जाएगा। क्या बदतमीजी है फैसल? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं, अंधा हूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ महसूस नहीं होता? क्या हो गया इस तरह से बात कर रहे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शौहर को अपनी बीवी से करनी चाहिए। और तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। और तुम ये भूल रहे हो कि हमारी शादी? हाँ हाँ याद है मुझे, सब जानता हूं मैं कि हमारा रिश्ता महज कागजी रिश्ता है। मगर तंजीरा, शायद तुम ये भूल रही हो कि हमने यह निकाह 10 लोगों के सामने किया था जो हमारे इस रिश्ते के गवाह हैं। और उन लोगों के सामने ही मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मेरी बीवी हो। और उन लोगों के सामने मैं तुम्हें अपनी इज्जत उछालने नहीं दूंगा। बहुत हो गया फैस, कुछ भी कहे जा रहे हो? हाँ पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तहफ्फुज़ दिया और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी गैर मौजूदगी में उस आतर को तुमने इस घर में बुलाकर। बस आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी फैसले में। तुम मुझ पर कोई बहतान नहीं लगाओगे। हां आए थे आते, लेकिन वो खुद यहां आए थे, मैंने नहीं बुलाया था। और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहते थे और बस। मैं बताता हूं कि वो तुमसे क्या कहने आया था। वो तुमसे ये कहने आया था कि तुम मुझसे तलाक ले लो। कि वो तुमसे दोबारा शादी कर ले, है ना? यही कहने आया था ना? मैं सब अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि आज उसने मुझे भी यही बात कही है। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। और तुम दोनों ये सब पहले ही प्लान कर चुके थे। तुम दोनों ने मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था तंजीला कि तुम। बस फैसल, बहुत हो गया। बहुत कुछ कह लिया तुमने और बहुत कुछ सुन लिया मैं। अब अपने बारे में और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने के लिए कसम खाने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर भी अपने रब की कसम खाकर कहती हूं, ये सब झूठ है। मैंने आतिर से ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन मैं इतनी घटिया और कमजोर नहीं हूं। बस मैं
मैंने उन्हें उसी दिन साफ साफ इनकार कर दिया था। मैं तुमसे किसी सूरत अलग नहीं लूंगी, चाहे मैं तुम्हारे साथ खुश हूं या ना हूं। तो फिर उसने मुझसे ये बात क्यों की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? इसका जवाब तो आतिक को देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सईद, खाना लगवा दूं आपके लिए? दिल नहीं चाह। तो हानिया कैसी? कैसी हो सकती है, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। मेरी बच्ची तो जिंदा लाश बनकर रह गई है। सोच भी नहीं सकता था तो किसी की मोहब्बत में इस हद तक जा सकती है कि खुद अपने आप को खत्म करने की कोशिश करे। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अगर उससे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बस एक बार वो ठीक हो जाए, मैं उससे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा। प्रॉमिस। सही, सब खैरियत तो है ना? आज आनिया को लेके आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? आपकी खामोशी से मुझे खौफ आ रहा है। सही बताइए ना, हमारी बेटी ठीक तो है? उसने सुसाइड की जो कोशिश की थी, डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया है, लेकिन 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 क्या सईद? सईद मुझे जवाब दे, क्या बात है? उसने सुसाइड के लिए जो जहर इस्तेमाल किया था, उस जहर ने उसके दिमाग को डैमेज कर दिया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे उसके, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए थे, रिपोर्ट आ गई? आप कहना क्या चाहते हैं सईद? साफ साफ क्यों नहीं बताते मुझे, क्या बात है? हमारी आनिया ठीक तो हो जाएगी ना? हमारी बेटी ठीक नहीं है, बस यूं समझ लो कि जिंदगी और मौत के बीच में चंद लम्हे गुजार रही। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची को बचा ले। नहीं उस्मान, फैसल ने साफ मना कर दिया, बल्कि बात तो हाथापाई तक पहुंच गई थी। क्या? हाँ, तो कुछ लोगों ने छुड़ा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। तो बहुत बुरा हुआ यार। मैंने तेरे से कहा था वो कभी नहीं मानेगा, मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। यार उस्मान, ये ठीक नहीं हुआ यार। मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं आते, तुमने भी कत्ल नहीं किया। बस तुम्हारे दिल में एक बात थी, तुमने वो कर दी, अब उसकी समझ में नहीं आई तो ये उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। लेकिन मुझे यकीन है, ये बात आज नहीं तो फैसल को कल समझ आ जाएगी कि किसी रिश्ते को जबरदस्ती बांध कर नहीं रखा जा सकता।
इससे किसी के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा हो जाती। सर आपसे को मिलने आए। उस्मान बोल के कौन है? और मैं ये भी जानता हूं फैसल भी तुम्हारे साथ खुश कभी नहीं रह पाएगा। ये फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? किसने दिया है आपको ये हक? बोले, जवाब दें। आपकी हिम्मत कैसे हुई फैसल को ये कहने की कि ये मुझे तलाक दे दे? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि फैसल मुझे तलाक दे देगा और मैं दोबारा आपसे शादी कर लूंगी? Subscribe to www.oneplatter.com and be the part of the ultimate cooking social community where recipes come to life.